आप बिलीव नहीं कर सकते, 2016 में जब नोटबंदी आई, ऐसा पागलपन वाला सिचुएशन हो गया था ना, लिटरली फोन बज रहे, कमाने की भयानक अपॉर्चुनिटी। नहीं, अपन ने तो कमाया भी भाई, अपन ने तो कमाया भी, यस, पर इतने फोन बज रहे, जिसने रात में न्यूज नहीं देखी वो दूसरे दिन से कॉल कर रहा। मैंने आगे सबको बताया कि उस रात का सिचुएशन, दूसरे दिन तनातन तनातन कॉल, 50-50, 60-60 मिस कॉल। प्रॉब्लम क्या है, अपन टैक्स पढ़ा रहे, बात है इनकम की, अपने बच्चों के पेरेंट्स भी कॉल कर रहे कि सर ऐसा ऐसा है क्या करना। नाउ सिचुएशन इज इतना टर्बुलेंट सिचुएशन, हमको खुद को कुछ नहीं मालूम कि कैश का करना क्या है। बाकी सब छोड़ो, मेरे घर पे उस दिन रात में किसी ने कैश दिख लिया होता तो परेशान हो गया होता। मैं 8 बजे निकला था, मैं सुबह 4:45 को पहुंचा हूं वापस घर पे, मेरा गाड़ी भी किसी ने पकड़ा रहता ना उस दिन तो तकलीफ था। और 3 ट्रिप लगी नीचे से ऊपर तक के सिर्फ लाने में अलग अलग बैग्स, 3 ट्रिप लगी। अगले दिन सुबह 5 बजे मैं आया हूँ, 6:30 बजे भूख लगी थी क्योंकि रात में कुछ नहीं खाया था, रात भर कुछ नहीं खाया था, तो मैडम ने जो खाना बनाया था वो सुबह 5 बजे खाया मैंने। मैडम चुपचाप सोई थी, डिस्टर्ब कर नहीं सकते थे, बात समझो, है ना, क्वीन को डिस्टर्ब नहीं करने का, पूरा किंगडम डिस्टर्ब हो जाता, उसको डिस्टर्ब नहीं करने का, वो शांति से सोए इसी के लिए मेहनत कर रही है, बात समझ रहे हो, वो शांति से सोए इसीलिए उसको पटाके लाए थे, समझ में आई बात। और जब तक कि उसको उसके बाप के घर से बेटर ट्रीटमेंट नहीं मिले, खाक कमाया जीवन में। तब 5 बजे आया, फोन चालू, कंटिन्यूस फोन चालू, और हमारे क्लाइंट की तरफ पिंपरी चीन छोड़ हो गए, पानेर हो गए, उधर क्लाइंट नहीं है भाव है, तभी पता करना पुणे के बारे में, उधर क्लाइंट कम भाव ज्यादा है। तो मैं वापस से सुबह 7:15 बजे उठा, 1 घंटे का पावर नैप लिया, वापस से 7:15 बजे उठा, तुरंत नहाया, बिना साबुन लगाए नहाया। अरे साबुन लगाना दिमाग खराब था क्या मेरा, फोन इतना दिमाग लगाया, साबुन चाय लेट आउट, आउट होते ही पहली बार चाय करने का, नाश्ता करने का पेट भर के, मतलब दिन भर मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, और फिर पूरा फिरते रहना। ईमानदारी से 3 दिन में सिर्फ 4 घंटे सोया, 3 दिन में सिर्फ 4 घंटे सोया, पर ऑनेस्टली मेरे को खुद को नहीं पता था कि जो कैश मेरे पास है उसका करना क्या है, ठीक है। हाइट वॉज, जिस रूम के बेड के अंदर में मैंने ये रखा था, मैंने पल्लू को भी नहीं बताया था यहाँ ये पड़ा है, नहीं बता सकता था, ठीक है। तीसरे दिन मैडम का फोन आता है, पीछे एक प्रॉब्लम है, उसने चद्दर निकालने के लिए बेड को उठाया होगा, चद्दर जैसी हटाई होगी, बोले ये क्या है, ये किसका है, क्या किया तूने, हर फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। मैं बोला इतना भी भरोसा नहीं है लाइफ में इसको, क्या किया बोले तूने, मैंने बोला तू शांति रख, तुम्हें अक्कल है क्या, बोले मैं 2 बार घर खुला छोड़ के सामने वाली के यहाँ बैठी थी, बोले। मैंने बोला भाई तेरे को समझ रहा क्या, इसमें अपना घर देंगा। मैं बोला बिल्कुल नहीं निकलना घर से बाहर, और घर में किसी को एंट्री भी नहीं देना। 3 दिन बाद जाकर के क्लैरिटी है, गवर्नमेंट की तरफ से सर्कुलर आता है कि बिल्डर ग्रुप में चलेगा, पेट्रोल पंप पे चलेगा, बैंक इसको चेंज करके देगा, 31 दिसंबर या 31 मार्च तक के आपके पास टाइम अलाउड है। फिर क्या किया, अब क्लाइंट था, क्लाइंट ने तो तीसरे दिन फोन करना चालू कर दिया, वो कैश का क्या हुआ, वो कैश का क्या हुआ, हमको हमारे चेक साइन करके देने पड़े, ये सिक्योरिटी है आपका पैसा मिल जाएगा, ये चेक तब वापस दे देगा, रिस्क लेने पड़ते हैं लाइफ में, ऐसे तो नहीं मिलता है कुछ भी। हमने हमारे चेक लगाए, उतना तो पैसा नहीं था बैंक अकाउंट में जितने का चेक फाड़ के दिया था उसको, और मालूम था ना ये काम कर लेंगे, निकाल लेंगे कहीं ना कहीं से, यस सर। तुरंत तुरंत कार लेके निकलना पड़ा छत्तीसगढ़, वो भी पल्लवी को लेकर के, क्योंकि क्या है लेडीज साथ में रहती तो पुलिस चेकिंग नहीं करती। छत्तीसगढ़ काहे के लिए, मेरे ससुराल में पेट्रोल पंप है, कैश खपता है वहां पे, फिर गवर्नमेंट ने बोला था यहाँ लौड़े, बराबर। तो पहली गाड़ी रुकी अमरावती क्योंकि मेरे भैया बैंक मैनेजर है, दूसरी गाड़ी रुकी छत्तीसगढ़, वहां पे पेट्रोल पंप है, बराबर। फिर वापस आए अपन बराबर, सब करके ऐसे सब दुनियादारी करनी पड़ती। तो वो जो पीरियड था ना 1-1.5 हफ्ते का, दैट वाज अ कंप्लीट रेस्टलेस पीरियड, कंप्लीट रेस्टलेस पीरियड। सीखने को क्या मिला उस टाइम, सीखने को मिला कि जो सीए कोर्स में सिखाया था ना, पेशेंस, मन हो इच्छा नहीं हो 15 घंटे का ट्रैवल करो,
मन हो इच्छा नहीं हो 15 घंटे का ट्रैवल करके वापस आओ, जो मिल रहा वो खाओ, जहां मिल रहा खाओ, चुपचाप बैठे रहो। बिल्कुल इच्छा नहीं थी और क्लाइंट वहां पे बोले जा रहा सुने जाओ, मेरे को मालूम है उसको अल्टीमेटली करना क्या है, उसको अल्टीमेटली पैसा देके पैसा वापस लेना है, मेरे को मालूम है। और वो समझाया जा रहा है ये कहां से कमाया, फिर इसको क्या करना है, फिर उसका प्लान क्या है, सुनते जाने का। याद रखो बेटा इस कोर्स में ना पहले तुमको सीए बनने से पहले स्पंज बनना पड़ता है। स्पंज का क्वालिटी क्या है? एब्सॉर्ब। तुमको पहले स्पंज बनना पड़ता है, स्पंज बनो, सब एब्सॉर्ब करते जाओ। एंड नो कई बार ओवरलोड लगेगा, जब ऐसे पिचकाया जाएगा सब कुछ बाहर आ जाएगा, तो करना तो पड़ेगा ना बॉस, करना तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ये बात बताओ। यस चलो। हाँ कितना झापा? देखो मैं तुमको बता रहा, 8/8/11 को नोटबंदी हुई, 26/11 को कर लिया, बिल्कुल 8/11 को नोटबंदी हुई। सर देखिए मैं और तलवी रेंट पे रहते थे 2 दिन, ठीक है, तो 8/11 को नोटबंदी हुई, 26/11 को सर, मतलब कितने दिन होंगे पता नहीं, शायद 15 दिन 20 दिन कुछ, 15 दिन के अंदर में तुरंत 2 BHK बुक, पेमेंट डन, इंटीरियर के लिए 20 पेटी पल्लू को कैश पकड़ा दिया। पल्लू को बोला ये जो करने का था, मेरे को पूछने का नहीं कि इधर ये वाला कलर लगाओ क्या, उधर वो वाला कारपेट लगाओ क्या, ये 20 पेटी पकड़, जो करने का कर, ठीक ईमानदारी से। और उसके बाद उसको अलग कसम से बोलो, कसम से उसके बाद उसको अलग से 4 लाख रुपए दिया, मतलब रोज के 5,000 रुपए खर्च, और तब तक मेरे को डिस्टर्ब नहीं करने का, रोज के 5,000 खर्च, फुल रोज के 5,000 खर्च लेंगे। उसको खर्चने को बहुत दिन लगते थे। अपने केस में ना अपने को बहुत अच्छे से पता है, लड़की की लाइफ ये है, उसने भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा है, FM पढ़ा है, इसको कुछ भी पैसा दे दे कुछ नहीं खर्च सकती। हाइट मालूम है 8,000 रुपए खर्च ही लेते, 2 लाख में से 8,000 रुपए खर्च ही ले देखे, बच्चे पूरे वापस दे दी, मतलब क्या हुआ, वो सब बहुत महंगा था मैंने नहीं खरीदा। वो भी सेव्ड। तो ये तुमको क्या है? ये फेस तुम्हारा भी आएगा, यू ऑल आर इन द सेम गेम एट डिफरेंट लेवल, समझ में आएगा, तो ये फेस तुम्हारा भी आएगा, ऐसा नहीं मेरा आएगा, ये फेस तुम्हारा भी आएगा। बस ऐसा है तुम उस टाइम कितना रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हो, तुम कितना अनटायरिंग वर्क कर सकते हो, तुम कितना मुश्किलों से गुजर सकते हो। अभी मैंने आपको मैंने मेरा शेड्यूल बताया आपको, यस, मॉर्निंग 7:30 से लेकर के नाइट 9:30 तक की ऑलरेडी हम टीचिंग ओनली, मेहनत में कोई ऑप्शन नहीं होता ना बेटा, सक्सेस एक दिन में थोड़े मिलता है यार, सक्सेस एक दिन में थोड़े मिलता है, इट्स अ कंटिन्यूअस एफर्ट्स ऑफ मेनी डेज एंड पेशेंस ऑफ मेनी डेज, एक दिन में थोड़े हो रहा है गेम, समझ आ रही बात, तुमको भी करना पड़ेगा। आई नो यू आर फ्रस्ट्रेटेड, आई नो एग्जॉस्टेड, आई नो कंप्लीटली इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग, अभी किसी चीज में भी तुमको कोई इंटरेस्ट नहीं, बाबू सोना जादू टोना में भी नहीं, तुमको अभी सिर्फ एक चीज में इंटरेस्ट है, गद्दी चद्दर और तकिया, या तो कुछ अच्छा खाना है, तुम ये सिर्फ 2 चीज में इंटरेस्टेड हो, इसके अलावा तुमको कोई लेन देन नहीं किसी चीज से। बड़े बड़े पर मेरे भाई करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता, बड़े बड़े लाइफ में यही डिफरेंस रहेगा, ओयो और ताज, लाइफ का यही डिफरेंस रहेगा, ओयो या ताज, बस ये डिफरेंस रहता, 300 रुपये पर डे और 30,000 पर डे, वेयर यू विल स्टे, समझ आ रही बात।